गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके साथ ना कोई करंट अफेयर का वीडियो लेके आए हैं और ना ही कोई न्यूज़ अपडेट। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था कि लॉकडाउन में हम सरकार की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे स्टूडेंट या अन्य उस व्यक्ति को जो इस वीडियो को देख रहा है सूचित करना चाहते हैं, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या मित्र या अन्य कोई व्यक्ति दिल्ली में किसी कारणवश से फंस गया हो या रह रहा हो, तो उसे सूचित करें कि दिल्ली सरकार के द्वारा खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करना है। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाना है और दिल्ली गवर्नमेंट के इस लिखे हुए जगह पर क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें से कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें अगर आपको जो ज़रूरत की हो वो देख लें, और नहीं तो फिर इसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर टेम्परेरी रिटर्न कूपन। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन होगा जिसमें से आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, परिवार के सदस्यों का विवरण आधार नंबर दर्ज करना है, परिवार के मुखिया की आधार कार्ड फोटोकॉपी। ई कूपन बनाने के बाद मोबाइल में SMS आएगा। ई कूपन डाउनलोड करने के लिए SMS में लिए गए लिंक को आपको क्लिक करना है, और नामांकित राहत केंद्र पर जाके ई कूपन आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकता है इंसान। अगर आप ये हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो तो हिंदी, या इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश। तो यहाँ क्लिक करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करते हैं। एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और ना ही किसी को बताना है। और ये जैसे ही OTP आप दर्ज करोगे तो ये ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा, तो उसमें लिखा है, लेकिन कृपया ध्यान दें, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको ई कूपन आवेदन खुले हैं, उनके लिए ई कूपन के आवेदन खुले हैं। हालांकि अभी इन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है, पहले इसमें लंबित आवेदन कार्रवाई की जाएगी, बाद में नए आवेदन की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक ऐसी भी चीज़ें हैं कि यदि आप सक्षम हैं, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं, तो आप इस चीज़ का लाभ बिल्कुल ना लें, क्योंकि सरकार ये उन लोगों के लिए कर रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनके पास खाद्यान्न सामग्री भी लगभग नहीं है। तो आप अगर सक्षम हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का लाभ ना लें, और बल्कि अगर हो सके तो कई लोगों की मदद भी करें जिससे आपका सक्षम हो उतना। तो यहाँ आपको अपना नाम और सारी चीज़ें डालना है, एज के साथ आधार नंबर अगर है आपके पास, तो नहीं तो वोटर आईडी कार्ड ऑप्शनल है, और आगे बढ़ना है। और इसके बाद अपने परिवार के सदस्य, अगर आपके कोई परिवार में मेंबर हैं तो उनके सदस्य, सदस्य नंबर 1, 2, 3, और अगर सदस्य ज़्यादा हैं तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। आप किस विधानसभा में आते हैं वो आपका हाउस नंबर, एड्रेस, पिन कोड डाल के, अगर मैं पुष्टि करता हूँ, इसमें कुछ है भी लिखा हुआ है कि मैं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि मेरे परिवार के पास राशन खरीदे जाने का संसाधन नहीं है और इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति मुझे दिल्ली सरकार के राशन वितरण आयोग बनाती है। और अगर आप सच में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आपके पास खाद्यान्न सामग्री नहीं है, तो दिल्ली सरकार आपकी जरूर मदद करेगी। और आपके पास राशन कार्ड नहीं है उसके बाद जो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, अगर आती भी है तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, और इसमें एक जानकारी भी है जिसमें इसमें एक कंफर्मेशन भी मांगा गया है कि मैं पूर्ण रूप से अवगत करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जान गई जानकारी गलत नहीं है, यदि यह गलत जानकारी होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और 191 के रूप में कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ना है, और अभी तो हमने फिल नहीं किया है इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है, बाकी जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक कूपन मिल जाएगा जो आपको किसी को नहीं देना है। SMS के थ्रू आपको उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कितना आपका मतलब कूपन नंबर प्रोसेस हो चुका है, आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपके द्वारा ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा ताकि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। धन्यवाद।